मुंबई के ताज होटल पर हमला होने के बाद ताज होटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तब ताज होटल को ठीक करवाने के लिए रतन टाटा ने दुनिया भर में एक टेंडर निकाला। तब पाकिस्तान से भी दो कंपनियों ने टेंडर अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों पाकिस्तान के रतन टाटा के पास पहुंच गई, वह भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तब रतन टाटा ने अपनी सिक्योरिटी से कह दिया कि बोल दो मैं बिजी हूं, और सुबह से शाम हो गई, रतन टाटा हमसे मिले ही नहीं। तब वह दोनों पाकिस्तान टेंडर अप वाले कांग्रेस के एक बड़े नेता के पास पहुंचे। उनसे बोले, आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक करने आए हैं। फिर उस नेता ने रतन टाटा को फोन किया और बोला कि दो पाकिस्तानी लोग आपका होटल ठीक करने आए हैं, आप हमसे एक बार मिल क्यों नहीं लेते। रतन टाटा ने बोला, आप बेशर्म हो सकते हो लेकिन मैं नहीं, पाकिस्तानी को धंधा नहीं दूंगा, और फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा जी, जो अपने बिजनेस से पहले देश को आगे रखते हैं।